ये हाथों में तख्ती पर कोरोना योद्धाओं का स्लोगन लिखे जीटीवी अस्पताल के कांटेक्ट कर्मचारी हैं, जो दीपावली के मौके पर सैलरी न मिलने से नाराज हैं। जीटीवी अस्पताल में धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि जीटीवी अस्पताल लॉकडाउन के साथ से ही कोरोना मरीजों का अस्पताल बन गया है। ऐसे में अपनी जान जोखिम में डालकर ये कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। इन्हें उम्मीद थी कि दीपावली के समय इनके घर में भी खुशियों के दिए जलाए जाएंगे, लेकिन सैलरी न मिलने की वजह से इनकी दीपावली अंधेरे में ही गुजर जाएगी। जीटी हॉस्पिटल में काम करता हूँ, एक वर्कर हूँ यहाँ पर, और हम लोगों की सैलरी 2 महीने से नहीं आए पिछले अभी, और बोनस भी नहीं आया दिवाली पर जो हर साल मिलता था, इस बार बोनस भी नहीं दिया, और एरियर तो 6 साल से नहीं दिया। और हम लोग यहाँ पर इतने संक्रमित क्षेत्रों में काम करते हैं, जब इस समय इस पीरियड में कोई अपने रिश्तेदार को छूने को तैयार नहीं है, उस समय ये लोग उनके डायपर चेंज कर रहे होते हैं, उस समय ये लोग अपने हाथों से उन्हें खाना खिला रहे होते हैं, उस समय ये लोग उनकी सफाई कर रहे होते हैं, ये लोग उनकी बाथरूम लेटरिन साफ करते हैं, और हम लोग यहाँ पर अपनी सैलरी के लिए बात करते हैं तो कंपनी वाले हमें गोली खवा के चले जाते हैं। और दूसरी चीज़, हमारी कोई विशेष मांगे नहीं है, हमारी सिर्फ ये हमारी सैलरी टाइम से मिलती रहे बस, ये 2 महीने का वेतन हमारा तुरंत दिया जाए और बोनस हमारा तुरंत दिया जाए, एरियर दिलाया जाए, क्वारंटीन, हम लोगों को क्वारंटीन नहीं मिलता, सब लोगों को यहाँ सरकारी वालों को सबको क्वारंटीन की छुट्टी और उनका वेतन, उन्हें सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये प्राइवेट वालों के साथ ये शोषण क्यों, क्या ये इनकी जान की कीमत, इनके परिवार की जान की कीमत अलग है क्या, क्या ये लोग अपने बच्चों में नहीं जाते क्या? आज कोई अफसर, कोई अधिकारी, कोई नेता अपने ऑफिस में नहीं घुसने जाता, क्या उसकी जान अलग है? हम लोग कोरोना में काम करते हैं, हमारे लिए सैलरी भी नहीं है। जो आदमी ऑफिस में बैठा है 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख उसकी 1 तारीख से पहले आ जाती है, लेकिन हमारी 10,000 12,000 क्यों नहीं आती, उसे क्यों रोक दिया जाता है, उसे फाइल को सचिवालय में MD के यहाँ कंपनी में एक्सटेंशन क्यों नहीं हो पाते, अटका देते हैं, क्यों अटका देते हैं? यहाँ दलाली चल रही है, यहाँ काम नहीं कर रहे लोग, यहाँ इतनी लोग आग में झुलस के काम कर रहे हैं, अपने परिवारों को आग में देख के काम कर रहे हैं, अपनी मौत को गले लगा के काम कर रहे हैं, लेकिन इनको मौत को गले लगाने वाले के ऊपर फूल बरसाते हैं। जी योद्धा हैं आप, असली योद्धा जो, जो हम कौन से योद्धा हैं आप हमें बताएं, हम कौन से योद्धा हैं? असली योद्धा तो स्टाफ ही होता है, असली योद्धा और जो सारा सिरे जाता है वो बड़े डॉक्टर ले लेते हैं, लेकिन उसका सिरे तो बड़े डॉक्टर लेते हैं ना, जो ऑफिस से निकलते भी नहीं है, जो हमें निकल हम उनसे वो हमसे बात भी करना पसंद नहीं करते हैं, वो लोग योद्धा हो जाते हैं। इन लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी मांग लेके डिमांड लेके जाते हैं, इन्हें ऑफिस में घुसने नहीं दिया, सिक्योरिटी बैठा दे, नहीं सर है नहीं, सर ने मना किया है, एक आदमी और एक जाकर उसे डरा दो, धमका दो, उसे घर भेज दो, या एक आदमी बात करके जाओ उसको, तो बात होगी हमारी, तुम जाओ। आपने अपने ठेकेदार से बात करी, उसने क्या बोला आपके? उन्होंने ये बोला कि आप 20 तारीख तक रुक जाओ, हम आपकी सैलरी दे देंगे। सर 20 तारीख तक हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ बैठेंगे, हमारे पास किसी के पास कोई पैसा नहीं है, किसी का बच्चा बीमार है, किसी का पिताजी बीमार है, किसी के घर में खाने को नहीं है, किसी का राशन देना बंद कर दिया लोगों ने, और उधार लेना भी एक लिमिट होती है, एक सैलरी जो दी है वो तो सब लोगों की कर्जे में चली जाएगी, इन लोगों दिवाली या त्यौहार फेस्टिवल कैसे मनेगा, इस चीज़ का कौन जवाब देगा? अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाए पैसे के चलते, सैलरी ना आने के चलते, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी, सचिवालय होगा, या यहाँ का प्रशासन हो या कंपनी होगी, कोई जिम्मेदारी इस चीज़ की लेगा? नहीं लेगा। लेकिन हम लोग फिर भी अपनी चीज़ों को शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ रख रहे हैं, और उन चीज़ों के लिए कोई प्रशासनिक अधिकारी आते हैं वो बात भी करना पसंद नहीं करते हैं, और सिर्फ कह के जाए हमारे हाथ में नहीं, हमारे सर हाथ में किसके है पता है कि कौन कितना वर्कर कहाँ काम करता है, स्टाफ कोई काम नहीं करता है यहाँ, और यहाँ का एक NO एक डॉक्टर के बराबर मायने रखता है, जो आप डॉक्टर डिग्री वर्बली लेता है ना वो NO या एक्सपीरियंस से करता है। मैं खुद बताता हूँ, वेंटिलेटर ऑपरेट करना इनका काम नहीं होता, ये सब जानते हैं, वेंटिलेटर एक एनेस्थीसिया वालों का काम होता है, बट लेकिन NO ऑपरेट करता है, तो स्टाफ करता क्या है, सिर्फ तनखा लेता है, आता है कुर्सी पे बैठेगा, 70,000 महीने की तनखा लेगा, यहाँ पर बोलते हैं ये वर्कर है इनकी 12,000-13,000 रुपए तनखा, वो नहीं देगा, वो रात भर यहाँ पर बोलते हैं ये जो कर्मचारी हैं ये 8 घंटे किट पहनेंगे, किट पहनने का मतलब है कि आप आगे के अंदर घुस गए, समझते हैं, सब जानते हैं, अगर ये 8 घंटे पहन सकते तो 80,000 लेने वाला क्यों नहीं पहनता भाई, वो 10 मिनट के अंदर बाहर क्यों आ जाता है, दवाई ये दे,
ले दवाई पकड़ा दे, ले इसका ऑक्सीजन लगा दे, ले इसका वो कर दे, जो काम हमारे नहीं है दबाव में आके हमारी कंप्लेंट ना करें, इस दबाव में आ गए वर्कर वो काम भी करते हैं जो इनके नहीं होते हैं मजबूरी के चलते हुए, क्योंकि ये हमारी कंपनी लिख देंगे हम प्राइवेट वर्कर हैं हमारी 10,000 नौकरी वो भी चली जाएगी, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। तो ये तो सीधा सीधा सब मिलके सरकार प्रशासन और जहाँ का स्टाफ मैनेजमेंट सब शोषण कर रहे हैं मिलके, ये तो सब शोषण कर रहे हैं मिलके, ऐसा नहीं है किसी को पता नहीं है सबको पता है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं, सैलरी से अलग उनको अलाउंस मिलता है, सैलरी से अलग उन्हें अलाउंस मिलता है, जैसे डायपर चेंज करना, बेडशीट चेंज करना, पेशेंट केयर करना, इनको पैसा इनको अलग से मिलता है। और लेकिन काम कौन करता है, यहाँ के कर्मचारी, तो कर्मचारियों को वो पैसा नहीं मिलता है, नहीं मिलता उस पैसे को सरकारी जो नर्सिंग स्टाफ होता है उन्हें मिलता है, तो उनका या तो वो अलाउंस है उनका बंद कर दो, इन लोगों को देना शुरू कर दो, मतलब प्राइवेट स्टाफ जो है वो काम वो करता है और सीरियस हाँ। सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। हाँ जी, अलाउंस जो है उनको सरकारी वाले ले लेते हैं, उनकी जो जितने भी काम करना उनका है वो काम पूरा नहीं करते, सारा आधे से ज़्यादा 70-60% ये लोग उनका खुद काम करते हैं और मजबूरी के चलते, क्योंकि वो लोग आज इनका उनकी बात नहीं मानेंगे तो ये कुछ कुछ ऐसा लिख के भेज देंगे, ये काम नहीं करता, हमारी बात नहीं सुनता, ये है वो है, कंप्लेंट क्या वो नहीं लिखेंगे, अननेसेसरी कंप्लेंट लिख के भेजेंगे नौकरी से। और आज जो स्ट्राइक हुई है ना, इसमें कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने, कुछ कंपनी वालों ने और कुछ बड़े अफसरों ने वर्करों को निकालने के पीछे पीछे धमकी दी जा रही है, जबकि सामने तो हमारे नहीं दिया लेकिन पीछे पीछे दी जा रही है, हो सकता है किसी के ऊपर एक्शन हो, किसी के ऊपर बात आए, तो हम लोग चाहते हैं सब लोग हमारी मदद करें, हमारा हेल्प करें, हमारे ही बच्चे हमारा ही परिवार है, इन लोगों के साथ भी आप इनका सपोर्ट करें और इनके बारे में बताएं भाई इनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है, सब लोग मीडिया के सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ें और इस मीडिया के माध्यम से सबको सरकार तक ऊपर देश तक सब लोगों की हमारी बात को पहुँचाएँ। आप यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रही है किस चीज़ के लिए कर रही है? सैलरी के लिए कर रहे हैं। मैडम कितने दिनों की सैलरी आपकी रुकी हुई है? दो महीने की सैलरी रुकी हुई है। तो आपके जो डीलर मतलब डॉक्टर हैं या ठेकेदार है, किस बेस के ऊपर आपकी सैलरी रुका रखी है? ये कह रहे हैं एक्सटेंशन पास नहीं हो रहा है हमारा। तो एक्सटेंशन कब तक पास नहीं होएगा मतलब? सर अब कोई पता नहीं है सर, ये कह रहे हैं 8 महीने से पास नहीं हुआ है। इस कोरोना महामारी में डॉक्टरों को स्टाफ को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है और वहीं पर स्टाफ की कोई वैल्यू नहीं है, सैलरी नहीं मिल रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? गवर्नमेंट वालों को देते हैं सैलरी, उनकी 90,000 सैलरी आ गई है सर। गवर्नमेंट वालों को सबको दिया जाता है लेकिन फोर्थ क्लास वालों के लिए कोई सुविधा नहीं है। 10,000 पे नहीं निकल बोली सर, हमारी ना तो हमारी सैलरी टाइम पे मिलती है ना कोई सुविधा दी गई है, सबको क्वारंटाइन मिलता है, हमें क्वारंटाइन भी नहीं मिलता है और ऊपर से हम लोग जाते हैं अगर इन लोगों के पास तो हमें ऐसे धुतकार के भगा दिया जाता है, हमसे कहते हैं हम तुम्हारे लिए सुनोगे चलो चलो रूम से बाहर चलो, हमारे कोई वेल्यू नहीं, में काम करते हैं हमारे भी छोटे। ये कमेंट आपको कौन करता है जो भगा देता है अपने रूम से, आपको मिलने नहीं देता है, बात नहीं करता है? सर MS भी भगा देते हैं और डॉक्टर शरद है वो भी हमसे ऐसा ही बोलते हैं। डॉक्टर शरद जो है वो यहाँ किस पोस्ट पे? मिलने ही नहीं दिया जाता तो हमें पहुँच रहे हैं। तो आपकी जो कंप्लेंट है ये MD तक गई है या नहीं गई है? MD को एप्लीकेशन लिखकर हमने कई बार दे दी है और कई बार दे दी है लेकिन उसको कोई सलूशन नहीं। तो MD इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं? अभी तक कोई एक्शन नहीं है। तो आपका जो घर का खर्चा है वो कैसा चल रहा है सर? कर्जा ले लेते हैं सर, अब तो कर्जा भी नहीं मिल रहा। अब तो कर्जा भी नहीं मिल रहा है सर, हमें दूसरी जगह ड्यूटी के लिए भेजा जाता है, हमें मंडोली जेल भेजा गया, वहाँ का भी हमें पैसा नहीं मिला। 12 घंटे की ड्यूटी कराई गई मंडोली जेल में लेकिन उसकी सिर्फ 14 की सैलरी आई, क्वारंटाइन कुछ नहीं आया, 12 घंटे की कोई सैलरी नहीं आई, 8 घंटे की सैलरी आई। हमारे कितने वर्कर है जो पॉजिटिव हुए, ना उनको पैसा मिला ना उनको छुट्टियाँ मिली है, कुछ नहीं। क्वारंटाइन तो मिला हमें लेकिन उसकी कोई सैलरी नहीं मिली। आपका जो स्टाफ है वो कितने बंदों का स्टाफ है आपका? सर हमारे 550 लोग। तो सबकी सैलरी रुकी हुई 550 बंदों की? सबकी रुकी। तो आपका 550 बंदों का घर का खर्च कैसे चल रहा है और क्या चीजें हो रही है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है घर के अंदर? कितने लोग हैं जो किराए पे रहते हैं उनके सामान बाहर निकल के डाल दिए गए हैं बताइए, ये लोग कहते हैं एक सैलरी डाल देंगे, एक सैलरी में क्या होगा हम लोगों का? 70% लोग सर किराए पर ही रहते हैं मैक्सिमम। तो आप लोग ने जिस तरीके से आज हड़ताल कर रखी है, जिस तरीके से आप लोगों ने हड़ताल कर रखी है उस तरीके से मतलब जो पेशेंट यहाँ पर है उनको भी दिक्कत हो रही होगी, आपको भी दिक्कत हो रही है इस चीज के अंदर, तो क्यों नहीं आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते MD से या MD आपसे आगे बात करे? MD सर अभी तक आए नहीं है हमसे मिलने के लिए। तो MD से आप जाइए, खुद मिलिए, पर्सनल आपकी टीम है पूरी, ये आपका ठेकेदार भी आपका साथ नहीं दे रहा, आपको सारा राइट है, आप जाके पूछ सकते हैं, हर चीज बात कर सकते हो। अंदर नहीं जाने दिया जाता सर, बाहर सिक्योरिटी लगा दी गई है कि कोई भी NO कोई भी हाउस भी कोरोना में ड्यूटी करके मेरे ऑफिस तक नहीं आएगा। इन कर्मचारियों का आरोप है कि दो महीने
की सैलरी और दीपावली का बोनस तक नहीं दिया है, जिसके चलते घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में कर्मचारी कैसे अपनी दीपावली मना पाएंगे? सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9212392905 9211478312 9110418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।